दोस्तों सुप्रा स्कैपुलर नर्व एक ऐसी नस है जो आपके कंधे की दो महत्वपूर्ण टेंडन्स जिनको रोटेटर कफ भी बोलते हैं, सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस को सप्लाई करती है। यह नस कुछ केसेस में दब सकती है जिसके कारण से आपके रोटेटर कफ की स्नायु या टेंडन जो हैं वो कमजोर पड़ सकती हैं। रोटेटर कफ टेयर यानी कि रोटेटर कफ जो मांसपेशियां हैं सुप्रा स्पाइनेटस इंफ्रा स्पाइनेटस टेंडन फट जाना एक बहुत ही आम तकलीफ है। यह जो तकलीफ होती है जिसमें सुप्रा स्कैपुलर नर्व दब रही है इसमें भी ऑलमोस्ट आपको सेम तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसमें आपके हाथ में कमजोरी हो जाएगी, हाथ ऊपर ले जाने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे, एक तरह का सूडो पैरालिसिस जिसको बोलते हैं कि अगर आप अपना हाथ ऊपर ले जाना चाहें तो ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे सुप्रा स्कैपुलर नर्व दबने के कारण। अब सुप्रा स्कैपुलर जो नर्व होती है वो दो जगह पर दब सकती है। पहला जो होता है वो सुप्रा स्कैपुलर नॉच होता है, हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस मतलब गर्दन से निकल के जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व होती है वो कंधे की तरफ आती है और सुप्रा स्कैपुलर नॉच के नीचे से निकलती है, वहां से वो दो नसों में बढ़ जाती है। एक नस जो है वो सुप्रा स्पाइनेटस मतलब ऊपर वाली रोटेटर कफ टेंडन को सप्लाई करती है और दूसरी जो नस होती है वो स्पाइनोग्लिनोइड नॉच के थ्रू मतलब स्पाइनोग्लिनोइड नॉच से नीचे की तरफ जाके इंफ्रा स्पाइनेटस को सप्लाई करती है। तो जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व होती है वो दो जगह पर दब सकती है। पहली जगह जो होती है सुप्रा स्कैपुलर नॉच होती है, सुप्रा स्कैपुलर नॉच के ऊपर एक ट्रांसवर्स सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट नाम का एक टाइट टेंडन होता है, टाइट लिगामेंट होता है जो कई बार ऑसिफाई हो जाता है, उसमें हड्डी बन जाती है या मजबूत हो जाता है, तो वो आपकी जो नस है उसको दबा सकता है और ऐसा होने पर दोनों ही मांसपेशियां सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस दोनों में कमजोरी आ जाएगी। जब हम मरीज को पीछे से देखेंगे तो दोनों ही मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और मरीज न हाथ ऊपर ले जा पाएगा और न बाहर की तरफ ले जाने में सक्षम हो पाएगा, हाथ में कमजोरी और सूडो पैरालिसिस भी आ जाएगा। यह तकलीफ एक कुछ रेस्ट्रिक्टेड लोगों में देखी जाती है। दूसरे तरह की जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व की तकलीफ होती है वो स्पाइनोग्लिनोइड नॉच सिस्ट होता है। स्पाइनोग्लिनोइड नॉच सिस्ट जो होता है वो आपके कंधे के अंदर जो बाइसेप्स टेंडन होता है वहां से निकलने वाला जो टेंडन होता है वहां पे लेब्रम टेयर के कारण या स्लैप टेयर्स के कारण वो तकलीफ देखी जा सकती है। इस तकलीफ में आपके सिर्फ नीचे की मांसपेशी जिसको इंफ्रास्पाइनेटस बोलते हैं वो मांसपेशी इफेक्टेड होती है और उस मांसपेशी में कमजोरी आ जाती है जिसके कारण आपका एक्सटर्नल रोटेशन मतलब बाहर जाने की जो मांसपेशी में ताकत होती है वो कमजोर हो जाती है। एक और साथ ही साथ आप अगर जो है पीछे से देखेंगे तो पीछे से आपकी मांसपेशी जो है वो कमजोर दिखती है, उस हिस्से में एट्रोफी बन जाती है। ये दोनों ही तरह की तकलीफ चाहे आपके ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट के कारण आपका जो है मांसपेशी कमजोर पड़ रही है या फिर स्पाइनोग्लिनोइड नॉट सिस्ट के कारण मांसपेशी में तकलीफ आ रही है सुप्रा स्कैपुलर नर्व के दबने के कारण, ये दोनों ही तकलीफ आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक से ठीक की जा सकती है। अगर आपको सुप्रा स्कैपुलर नर्व की प्रॉब्लम का डाउट होता है तो दो टेस्ट हम करते हैं। पहला टेस्ट कंधे का MRI जिसमें हमको ये पता लग जाएगा कि कोई सिस्ट कोई रसोली कोई ट्यूमर उस नस को दबा तो नहीं रहा है, पहली वस्तु। और दूसरा EMG NCV स्टडी जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व है वो फायर कर रही है काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो MRI ज़रूर कराएं और EMG NCV स्टडी ज़रूर कराएं इन दोनों के बेसिस पे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब जब डॉक्टर आपको देखेंगे तो उसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये तकलीफ आती है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, एक दूरबीन की सर्जरी जिसको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं वो करके ये तकलीफ सॉल्व की जा सकती है।
अगर सुप्रा जो स्कैपुलर नॉच में कंप्रेशन आ रहा है तो ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट को अगर हम काट देंगे तो ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। अगर स्पाइनोग्लिडॉइड नॉच सिस्ट आ रहा है तो हम अंदर से या बाहर से जो है वो सिस्ट जो रसोली है उसको निकाल देते हैं, उस रसोली को डिकम्प्रेस कर देते हैं, तो आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसको हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा जो है टेक्निक है आर्थोस्कोपी, जिससे ये जो नसों के दबने की तकलीफ है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व कंप्रेशन, ये ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी सुप्रा स्कैपुलर नर्व कंप्रेशन का प्रॉब्लम है तो आप हमको डेफिनेटली व्हाट्सएप पे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई और प्रश्न है इसके बारे में तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।